الشيطان الرجيم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. अच्छा, उन्होंने कहा बेशक ये दोनों यकीनन जादूगर हैं और वो दोनों चाहते हैं कि निकाल दे तुम्हें तुम्हारी जमीन से अपने जादू के जरिए और ले जाएं तुम्हारे उम्दा तरीके जिंदगी को। यानी कि उन्होंने ये तो जी पेश की कि ये दोनों इसलिए आए हैं कि अपने जादू के जरिए से उनके बकौल जो उनके मुताबिक उनका जो जिंदगी का तरीका था वो उम्दा था उसको मिटा दें और इस जमीन से तुम लोगों को निकाल दें, लोगों को मुहातु करके कह रहे हो लोग। فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى। फिर आओ बस इकट्ठा करो अपनी तदबीर को, फिर आओ सफ बांध कर और यकीनन वो कामयाब होगा आज जिसने गलबा हासिल किया। قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى। उन्होंने कहा ऐ मूसा या ये कि तू डाले अपना जादू और या ये कि हम हूं पहले जो डालें। قال بل القو, हजरत मूसा के सामने कहा बल्कि तुम डालो। जब उन्होंने डाला तो अचानक उनकी रस्सियां और उनकी लाठियां ख्याल में डाला गया उस मूसा के। यानी कि अब इसमें क्या है कि जब उन्होंने अपनी उनकी उनके जादू की वजह से कि बेशक वो दौड़ रही हैं। अच्छा, अब ये हुआ कि जब उन जादूगरों ने अपनी अपनी लाठियां और अपनी रस्सियां डाली तो वो आंखों पर उनका लोगों के देखने वालों की आंखों पर और मतलब ऐसा असर हुआ कि वो लग रही थी कि वो बेशक वो दौड़ रही हैं। ठीक है ना, यानी कि वो हकीकत में वो लाठियां और रस्सियां जो जादूगरों ने डाली थी वो सांप नहीं बनी थी बल्कि वो उन आंखों पर एक असर सा हैप्नोटाइज करके जैसे एक मेस्मराइज करके आंखों पर असर हुआ था जिस वजह से वो लाठियों और रस्सियां वो एक सांप दिख रही थी। मूसा सांप को भी वो सांप दिखी, दौड़ती हुई सांप दिखी। अच्छा, उनके जादू की वजह से बेशक वो दौड़ रही है। अच्छा, फिर बस महसूस किया मूसा ने अपने दिल में खौफ। हमने कहा तू ना डर बेशक तू ही गालिब है। अब मूसा अलैहिस्सलाम को उनको देखकर मतलब उनको उनके दिल में खौफ महसूस हुआ। उसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है या ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में ये आया हो कि लोग देखेंगे, लोग ये कहेंगे कि ये तो मूसा भी मूसा अलैहिस्सलाम भी अपना जब असा डालेंगे और वो भी सांप बन जाएगा तो लोग कहेंगे ये तो एक जैसा ही ये तो एक जैसा ही एक जैसी ही इसमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है, उसमें कुछ नया नहीं, कोई नया तजर्बा नहीं है। या ये उनको दिल में होप महसूस हुआ कि कहीं लोग इन जादूगरों के ही जादू से मुतासिर हो जाएं और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो अपना मौजजा दिखाएंगे वो देखे बगैर ही चले जाए, तो उनके दिल में कोई भी खौफ हो सकता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक आप ना डरे, आप ही गालिब रहेंगे और डाल दे जो तेरे दाएं हाथ में है वो निगल जाएगा जो उन्होंने बनाया है। बेशक जो उन्होंने बनाया वो जादूगर की चाल है और नहीं कामयाब होता जादूगर जहां भी वो आए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असार डाला तो वो वहां पर झूठ मूठ का जो भी वो बना रहे थे उन सबको वो निकल गया, वो असदहा बड़ा सा वो असदहा बन गया, वो सब को निकल गया, उन सब वहां पर जितने भी रस्सियां थी जो भी सांप दिख रहे थे उन सबको निकल गया। वो ये देखना था कि फाउकिया सहरा तु सुज्जद सुज्जदन, अब तो गिरा दिए गए जादूगर सजदे में। कालू आमन्ना बि रब्बि हारून व मूसा, उन्होंने कहा हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर। कला آمنتم له قبل أن آذن لكم, اب فرعون کے لیے بہت ہی یہ ایک حیرانگی کی بات تھی۔ فرعون جو خود خدا بنا بیٹھا تھا, فرعون نے کہا تم ایمان لے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر, بے شک وہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب فرعون نے یہ دیکھا, یہ دیکھنا تھا کہ فرعون نے کہا کہ फिरौन ने इल्ज़ाम सारा डाल दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही तुम लोगों को ये जादू सिखाया है
और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ही बंदे हो तुम लोग। उनका ये कहना था कि तुम सब मिलके मेरे खिलाफ, फिरौन का ये कहना था कि तुम सब मिलके मेरे खिलाफ चाल चल रहे हो, ये तुम्हारा बड़ा है, उसका ये कहना था। अब फिरौन ने धमकी दी, फला उकत्तई अन्ना आईदियकुम, यानी कि बस यकीन जरूर मैं काट दूंगा तुम्हारे हाथों को और तुम्हारी टांगों को मुखालिफ सिमत से, और जरूर बिल जरूर मैं सूली दूंगा तुम्हें खजूर के तनों पर, और बेटा शुबा तुम जरूर जान लोगे कि हम में से कौन ज्यादा सख्त है अजाब देने में और कौन ज्यादा बाकी रहने वाला है। अब इसमें यह था कि जब जादूगरों ने ईमान क्यों लाए, वो ईमान इसलिए लेके आए, और फिरौन क्यों नहीं ईमान लेके आया। जादूगरों को पता था कि उनके जादू दिखाने की हद क्या है, यानी कि उनको अपनी उनको किस हद तक वो जादू कर सकते थे, उनको पता था इस चीज का, उनको पता था कि वो माहिर थे, पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मौजा दिखाया है वो ये जादू नहीं है, क्योंकि ये जादू से ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक असा जमीन पर मारा जाए और वो इतना बड़ा असा बन जाए और वहां पर वो जितने भी सांप उनको निगल जाए, तो ये यकीन ये मौजा ही है, ये जादू नहीं है, इसलिए वो समझ गए और वो ईमान ले अल्लाह ताला की हिकमत से। अब जो फिरौन था उसको तो ये महज एक हजरत मूसा, उसको लग रहा था जादूगरों ने जादू दिखाया पहले, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादू दिखाया, तो दोनों ने जो इन दोनों के आपस में कोई चाल है वो समझ ही नहीं सका बात को। अब उसने धमकी दी कि मैं तुम लोगों के हाथों को, अच्छा खिलाफ इनका क्या मतलब है, यानी कि दायां हाथ काटूंगा तो बायां पाँव, बायां हाथ काटूंगा तो दायां पाँव काट दूंगा, ये सख्त सजा देने की, और सूली दे दूंगा खजूर के तनों पर, ये सजाएं देने की, धमकियां दी, डराया उनको अजाब से अपने। उसने कहा कि मेरे, अच्छा कालू लन नुसिरक अला मा जाअना मिनल बयिनाती वल्लजी फतरना फक्दी मा अंतकाद। अच्छा अब क्या है, उन्होंने कहा हरगिज नहीं हम तरजीह देंगे तुझे उस पर जो आए हम जो आए हैं हमारे पास वाज़े दलाइल, और उस पर जिसने पैदा किया हमें, पास तू फैसला कर ले, जो तू फैसला करने वाला है बेशक सिर्फ तू फैसला कर सकता है इस दुनियावी जिंदगी का। यानी कि अब वो जादूगर जो के मुआवजा देखने से पहले हजरत सलाम का वो खुश हो रहे थे कि फिरौन के उनको मराद देगा अगर वो कामयाब हो गए, तो कैसा उनका ईमान मजबूत हो गया कि उन्होंने कहा कि तुम जो मर्जी सजा दे लो, हम तो तुम्हारी सजाओं से डरने वाले नहीं है, क्योंकि तुम जो कुछ कर सकते हो वो सिर्फ हाजिल हयात दुनिया, तुम्हारा सारा जोर इस दुनिया की जिंदगी में है, लेकिन अगर हम तुम्हारी बातों में आ गए और हमने इनकार कर दिया इस हक का, तो फिर तो हमारा रब हमें हमें इस दुनिया में भी हमें जिल्लत मिलेगी, और आखिरत में भी अल्लाह ताला का इख्तियार तो दुनिया और आखिरत दोनों में है ना, तो आखिरत में भी हमें हमेशा का अजाब मिलेगा, इसलिए हम तुम्हारी बेशक जो करना है कर लो। इन्ना आमन्ना बि रब्बिना लियगफिर लना खतायाना वमा अक्रहतना अलैहि मिन सिह्र वल्लाहु खैरु खैरु व अबका। अच्छा कह रहे हैं कि बेशक हम ईमान लाए अपने रब पर ताकि वो बख्श दे हमें हमारी खताएं, और वो जुर्म भी जो तूने हमें मजबूर किया उस पर, कौन सा जुर्म, तूने हमारी पहली खताएं और जो तूने हमें इस जादू जैसे गुनाह कबीरा करने पर मजबूर किया, यानी जादू करने का, और अल्लाह बहुत बेहतर और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। इन्नहु मन यति रब्बहु मुजरिमन फ इन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हु। अच्छा बेशक ये यकीनी बात है कि जो आएगा अपने रब के पास मुजरिम बनकर, तो बेशक उसी के लिए जहन्नुम है, ना वो मरेगा उसमें और ना वो जिएगा, यानी ना मरेगा ना जिएगा, क्या मुराद है कि जहन्नुम का ऐसा अजाब कि वो मौत तलब करेंगे, जहन्नुमी तो उनको मौत नहीं आएगी, वहां पर उसको मौत नहीं आएगी, जब वो खाने पीने की आरजू करेगा तो जकूम जैसा दरख्त और पीने के लिए उनके जहन्नुमियों के अपने जिस्म की पीप और खून पीने के लिए दिया जाएगा, तो ऐसी जिंदगी ना ये मरना है और ना ये जीना है। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम के अजाब से अपनी पनाह में रखे, आमीन। वमन यक्तिही मुमिनन कद अमिला सालिहाति फाउलाइका लहुमुद दरजातुल उला। और जो आएगा उसके पास मोमिन बनकर और यकीनन उसने अमल किए होंगे नेक, तो वही लोग हैं कि उनके लिए बुलंद दर्जात हैं। आगे मोमिनों की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो ईमान लाया जिसने नेक अमल किया तो उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद दर्जात हैं। कैसे दर्जात, जन्नत अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु,
अच्छा, हमेशगी के बागात हैं, चलती हैं उनके नीचे से नहरें, और वो हमेशा रहने वाले हैं उनमें, और ये जजा है उसकी जो पाक बना, जिसने अपने नफ्स को अपने तमाम बुराइयों से पाक कर लिया, अपने नफ्स को बाज रखा गुनाह करने से, उसने नेक अमल किए, जो ईमान लाया, ऐसे लोगों के लिए हमेशगी के बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत से बख्शे और हम सबको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।